कहलूर रियासत के राजाओं द्वारा बसाए गए गोविंद सागर झील में जलमग्न मंदिरों की पुनर्स्थापना को लेकर अब अंतिम सर्वेक्षण होगा। 28 जून को दिल्ली से इंडियन ट्रस्ट ऑफ हेरिटेज डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट की एक टीम बिलासपुर पहुंच रही है। ये टीम 30 जून तक जलमग्न मंदिरों को बाहर निकालकर चयनित जमीन पर स्थानांतरित करने के लिए संभावनाएं तलाशेगी और बाकायदा एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। कल्हूर रियासत के राजाओं द्वारा बसाए गए गोविंद सागर झील में जलमग्न मंदिरों के पुनर्स्थापन को लेकर अंतिम सर्वेक्षण होगा। इसी के मद्देनजर 28 जून को दिल्ली से इंडियन ट्रस्ट ऑफ हेरिटेज डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट की एक टीम बिलासपुर पहुंच रही है। 30 जून तक जलमग्न मंदिरों को बाहर निकालकर चयनित जमीन पर स्थानांतरित करने के बारे में संभावनाएं तलाशी जाएंगी और बकायदा एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन की ओर से धार्मिक पर्यटन निखार के लिए आगामी कार्य योजनाओं को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। अहम बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से मंदिरों के पुनर्स्थापन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक कंपनियों और फर्मों से आगामी 31 जुलाई तक DPR व टेक्निकल बिड आमंत्रित किए गए हैं। जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने बताया कि इस मामले पर भाषा एवं संस्कृति विभाग से चर्चा के बाद दिल्ली की एक नामी संस्था से सर्वे करवाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए टीम बिलासपुर आ रही है। ये टीम 3 दिनों तक गोविंद सागर झील में मंदिरों पर सर्वे कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जानकारी के मुताबिक झील में 8वीं से 19वीं शताब्दी के करीब 28 मंदिर समाये हुए हैं और समय बीतने के साथ साथ इन मंदिरों का अस्तित्व भी खत्म होता जा रहा है। ऐसे में आस्था के प्रतीक इन मंदिरों का पुनर्स्थापन करने के लिए बकायदा कवायद शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि सर्वे करने वाली टीम ये भी देखेगी कि इन मंदिरों को चयनित जमीन पर सुरक्षित पुनर्स्थापित कब किया जाए। जैसा आपको मालूम ही है कि बिलासपुर जो हमारा शहर है, ये कभी कैलूर स्टेट जो है उसकी राजधानी हुआ करती थी। अक्टूबर 1962 में भाखड़ा डैम का निर्माण काम पूरा हो गया था और 20 नवंबर 1963 को ये राष्ट्र को समर्पित कर गया था। तो जब ये गोविंद सागर लेक अस्तित्व में आई भाखड़ा डैम बनने के बाद, तो करीब 256 गांव जो हैं वो जलमग्न हो गए थे, जिसमें बिलासपुर जो है पुराना जो हमारा टाउन है वो भी सबमर्ज हो गया था, जिसके कारण हमारी जितनी भी यहाँ बिल्डिंग्स थी, जितने मंदिर थे, जितनी धरोहर की जो इमारतें थी, सभी जो है जलमग्न हो गई थी। करीब 28 मंदिर जो है 8वीं से 19वीं सदी के बीच के जो निर्माण हुए थे वो भी सारे जलमग्न हो गए थे। और अब ये कई वर्षों से एक जो है प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके अंदर जो है मोडालिटीज वर्कआउट की जा रही हैं कि कैसे उन मंदिरों को वहाँ से रिलोकेट किया जाए अन्य स्थान पर। तो उसी कड़ी में जो है लैंग्वेज आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट जो प्रदेश सरकार का है और जिला प्रशासन मिल के जो है एक इस दिशा में हम काफ़ी अग्रसर हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी इनवाइट किया है, जिसमें इन्होंने जो एक टेक्निकल बिड्स, फिनेंशियल बिड्स और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में, शिफ्टिंग के बारे में इनवाइट की है। और 31 जुलाई 2019 मतलब अगले महीने 31 जुलाई तक इन्होंने जो है बिड्स जो हैं या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो इनवाइट किए हैं। तो इस दिशा में इस महीने 28 से 30 तारीख के बीच एक टीम दिल्ली से इंडियन ट्रस्ट फॉर हेरिटेज डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उस संस्था जो है एक जो ट्रस्ट है उसकी एक टीम भी आ रही है, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, वो भी जो है उस पूरा क्षेत्र जो है जिस जो मंदिर है उनकी स्थिति देखेंगे और जहां पर रिलोकेट करना है, प्रस्तावित स्थल है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो एक टीम आ रही है और 31 जुलाई तक EOI इनवाइट किए हैं। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने एक भूमि का जो खंड है वो चिन्हित भी किया है यहाँ पर, उसमें भी एक कमेटी बनाई गई है ADM बिलासपुर की अध्यक्षता में, उन्होंने जो है स्थल का निरीक्षण कर लिया, अपनी रिपोर्ट दी है और लैंड ट्रांसफर का जो है मैटर उसको भी हमने एक्सपीडाइट करवाया है। तो हमें आशा है कि अब जो जो स्थल मतलब भूमि है वो ट्रांसफर हो जाएगी और उसके बाद साथ में जो EOI इन्होंने इन्वाइट किए हैं लैंग्वेज आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट ने, तो उसमें हम आशा करते हैं कि काफ़ी ऑफर्स आएंगी
बिड साइंगी, और उसके बाद जो है कार्य जो है वो संबंधित विभाग जो है भाषा कला संस्कृति वही उसको अवार्ड करेंगे और हम पूरा सहयोग जो है प्रशासन की ओर से प्रदान करेंगे।